जय भीम, मैं अर्जुन सिमोलिया। दोस्तों, अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड एक्टर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों से प्रेरित होकर एक नहीं बल्कि दो दो फिल्म अभिनेताओं ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, अगर आप बहुजन राजनीति से थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं कि किस तरह से अब आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अलग-अलग राज्यों में आजाद समाज पार्टी का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब आम नेता ही नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेता भी एएसपी को ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल कल शाम बड़ी खबर निकलकर आजाद समाज पार्टी की तरफ से आई, जब सोशल मीडिया पर आजाद समाज पार्टी के अकाउंट्स द्वारा यह जानकारी शेयर की गई कि फिल्म अभिनेता एजाज खान, जो लगातार आपको दादे की सुर्खियों में बने रहते हैं, एजाज खान जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये फिल्म अभिनेता हैं। साथ ही साथ बिग बॉस के पूर्व में प्रतियोगी भी रह चुके हैं। तो अब एजाज खान ने चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के काम को पसंद करते हुए आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। वाकायदा जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के जायसवाल, उन्होंने एजाज खान को एएसपी का गमछा, जो पटका होता है, उसको उनके गले में डालकर उनकी एएसपी में जो है उन्हें ज्वाइन कराया है। अब जैसे ही एजाज खान जो है आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए, तो उन्हें आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो महाराष्ट्र की वर्सोवा विधानसभा सीट है, विधानसभा क्रमांक है वर्सोवा का 164, वहां से उन्हें अब आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो एजाज खान को बना दिया गया है। अब आजाद समाज पार्टी के बैनर तले, उनके झंडे तले, एजाज खान वर्सोवा विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आज जो है एजाज खान आजाद समाज पार्टी की तरफ से वर्सोवा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एजाज खान ने एएसपी को ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ साथ जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि एक नहीं बल्कि दो दो अभिनेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और दोनों को महाराष्ट्र में जो चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के 288 सीटों पर, उनको लेकर अब आजाद समाज पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। झारखंड में भी आजाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर आजाद लगातार संघर्षरत हैं। अब जो अगले अभिनेता हैं वो भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों से प्रेरित होकर हेमंत विर्जे, जो कि बॉलीवुड के विख्यात अभिनेता हैं, हेमंत विर्जे वो भी अब मुंबई, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जहां पर कैलाश जायसवाल उनके नेतृत्व में हेमंत विर्जे ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ले ली है। अब हेमंत विर्जे को भी पुणे के वडगांव सेरी विधानसभा क्रमांक 202 से आजाद समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, यानी कि इन्हें भी विधानसभा क्रमांक 202 से टिकट दिया गया है। तो एजाज खान और हेमंत विर्जे, ये दो बड़े फिल्म अभिनेता और बॉलीवुड के सितारे अब आजाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के कार्यों को पसंद करते हुए इन्होंने आजाद समाज पार्टी में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी है।
फिलहाल आजाद समाज पार्टी का लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है, पार्टी संगठन लगातार मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुजन समाज से जुड़ी इसी तरह से हर एक खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बहुजन मीडिया मजबूत हो, तो आपके अपने नैतिक टीवी चैनल जो सबसे पहले आप तक सटीक सच्ची खबर पहुंचाने का काम करता है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को दबाएं, जिससे कि सबसे पहले आप तक हमारी खबर पहुंच सके और आप हर खबर से अपडेट रहें। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद है और आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस खबर को सभी लोगों में शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आजाद समाज पार्टी की इस खबर पर अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे अर्जुन नैतिक टीवी एक्स यानी ट्विटर पर जो अकाउंट है उसको फॉलो करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो अर्जुन नैतिक टीवी के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। सीधे आप हमसे मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक आप रखें अपना ख्याल। धन्यवाद।